हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लेसन आपका कौन सा है, ये एट लेसन कौन सा है, एट मोशन या गति बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। देखिए, हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में गति के बारे में बताया था, बात समझ गए। सबसे पहले मैंने आपको गति बताया था। गति किसे कहते हैं, कि स्थिति के साथ जो परिवर्तन होता है वही गति कहलाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ परिभाषाएं जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ठीक है, इनके बारे में जानकारी करेंगे। इसमें ही केवल हम दूरी और विस्थापन के बारे में लेंगे। चाल, वेग, त्वरण अगले वीडियो में रहेगा आपका। दूरी और विस्थापन, ये सारे चीज़ें गति के समीकरण में, गति के समीकरण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होगा। इस वजह से ये सारी डेफिनेशंस हमको बतानी है। तो आज हम इस वीडियो में केवल दूरी और विस्थापन क्या है और दूरी और विस्थापन से एक न्यूमेरिकल करेंगे और ये वीडियो फिनिश करेंगे। देखिए, चलिए आइए, कम ऑन द टॉपिक। दूरी, चलिए देखा जाए, ये मेरा स्वीट होम है, प्यारा सा घर है मेरा, ठीक है। ठीक है, ये प्यारा सा घर है, होम है मेरा, और ये मंगलम इंटर कॉलेज है, मंगलम इंटर कॉलेज, बात समझ गए। ये क्या है, मेरा स्वीट होम और ये मेरा मंगलम इंटर कॉलेज। अब देखिए, समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आज मैं बता रही हूँ, ये आपका हमेशा ज़िंदगी में काम आएगी। देखिए, होम, मैं अपने होम, यहाँ से मेरा स्वीट होम है, मैं यहाँ से टुकुर 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 यहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, मंगलम इंटर कॉलेज। कहाँ पहुँची, अपने घर से मंगलम इंटर कॉलेज, ठीक है। मैंने ये चीज़ तय की, ये पथ तय किया, ये कौन सा पथ, ये पथ, ये पथ, इसको हम बोलेंगे वास्तविक पथ, वास्तविक पथ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एकदम गौर से सुनिएगा और लिखेंगे डेफिनेशन कि प्रथम बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एक्साइज से डिनोट करेंगे, और ये फाइनल पॉइंट, यहाँ हम पहुँचे हैं, ये मंगलम इंटर कॉलेज फाइनल पॉइंट है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने पथ की, अपने पथ को तय करता है, ये अपना इसका पथ है, यहाँ से टुकुर 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 जा रहा है, ये पथ है, तो अपने पॉइंट से जहाँ से उसको चलना था ना, अपने पथ से जो मार्ग की लंबाई तय की है, ये मार्ग की वास्तविक लंबाई, वास्तविक पथ तय किया है, तो वो दूरी कहलाता है। बात समझ गए, कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, ये मार्ग है, इसी मार्ग से तो मैं आई हूँ टुकुर टुकुर, तो ये मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाएगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी ना, कि किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए कहाँ से तय, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, तो तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि है, अदिश। दूरी कैसी राशि है, अदिश। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया सदिश और अदिश क्या होता है, ठीक। और अब आई बात विस्थापन की, कि विस्थापन किसे कहेंगे, तो दो बिंदु कौन से हैं, एक्स आई इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट की मैंने अपने होम से, और फाइनल पॉइंट जहाँ मैं मंगलम इंटर कॉलेज पहुँची, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये है विस्थापन। ये बात समझ में आ रही होगी आपके, कि विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, दो बिंदु कौन से, मैं स्टार्टिंग पॉइंट अपने घर से चली थी और लास्ट पॉइंट मैं मंगलम इंटर कॉलेज पहुंची, तो
दोनों बिंदुओं के जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर? तो इसका मात्रक भी, भाई मात्रक दूरी कैसी राशि है? मूल राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन भी दूरी है, इसका मात्रक भी मीटर होगा, बट ये सदिश राशि है। और मैंने आपको बताया सदिश राशि को वेक्टर लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो विस्थापन और दूरी और विस्थापन में आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा ना? एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं? दूरी किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो विस्थापन कहलाता है। आप लिख लेंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दूरी और विस्थापन। लेकिन एक टिप्स मैं दूंगी आपको, टिप्स कि दूरी और विस्थापन के लिए, दूरी के लिए हमेशा जितने भी पथ तय किए हैं उनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर करिए। अभी देखिए एक एग्जांपल लूंगी, समझ में आ जाएगा। दूरी के लिए जितने भी पथ आप तय कर रहे हैं, ठीक है, वो आप जोड़ते हैं। विस्थापन के लिए आपको दो ही पॉइंट याद रखना, एक एक्स आई जहां से मैं चली थी और दूसरा एक्स एफ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। आई का मतलब इनिशियल, एफ का मतलब फाइनल। फाइनल कौन सा है? मंगलम इंटर कॉलेज। इनिशियल कौन सा है? मेरा होम। ठीक, ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। देखो आपने संख्या रेखा पढ़ी है कि नहीं? संख्या रेखा सबने पढ़ा होगा, एट्थ क्लास में, सेवन्थ क्लास में, छोटे क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में संख्या रेखा, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर ये क्या होता है? जीरो। ठीक, और इसके दाएं साइड पॉजिटिव नंबर रहते हैं। मान लो मैंने इस पॉइंट पर, ए पर, ए पॉइंट है, मैंने ये जीरो और सॉरी वन और जीरो ले लिया, और ये बी पॉइंट है, मैंने यहाँ टू और जीरो ले लिया। ये मान लीजिए सी पॉइंट है, मैंने यहाँ माइनस वन और जीरो ले लिया। ठीक, चलिए अब हम इसमें दूरी और विस्थापन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे दूरी और विस्थापन? पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है कि हम ओ से ए गए, ए से बी गए, तब उस स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूसरा पॉइंट, हम ओ से ए गए, ए से बी गए और बी से फिर ए पर आ गए, तो हमारा दूरी और विस्थापन। हम ओ से ए गए, ए से बी गए, फिर बी से ओ आए, तब उस स्थिति में विस्थापन क्या होगा? अब देखो तीन चीजों से आप दूरी विस्थापन निकालना समझ जाएंगे। देखिए पहला जल्दी से समझेंगे, यहां पर हमको दूरी निकालना है। पहला कोई बंदा है, मान लीजिए मैं ही हूं, तो मैं पहले ओ से ए गई। अब देखो ओ से ए, ओ से ए, ओ से ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है? वन। हर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? वन वन है। तो ओ से ए में गई तो वन, यानी कि वन। फिर ए से बी गई और ए से बी, यानी कि ए से बी पहुंची तो फिर एक, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? टू। ठीक है, अब देखो विस्थापन क्या होगा। विस्थापन के लिए आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से था? जीरो, सॉरी ओ, और एंडिंग पॉइंट क्या था? बी, यानी कि ओ से बी, ओ से बी, यानी कि विस्थापन ओ से बी। इसका मतलब कितना दूरी चला? दो। घबराइए नहीं, विस्थापन और दूरी भी बराबर हो सकते हैं, विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं। अब मैंने ये दो पॉइंट आपके लिए छोड़े हैं, आप इसको होमवर्क में करके, मतलब अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप में इसको होमवर्क सेंड करेंगे, मैं चेक करूंगी, आप ये दोनों क्वेश्चंस मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगली डेफिनेशन के साथ, ठीक, चाल, वेग और त्वरण के साथ। तब तक के लिए बाय बेटा, आप अच्छे से करेंगे और होमवर्क मेरे को दिखाएंगे। बाय बेटा।